रमन सिंह पत्रकारों के मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे। रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश आज जो तरक्की कर रहा है वो भूपेश सरकार की वजह से नहीं है, ये बीते 15 सालों की कार्य योजना का नतीजा है। इसके साथ ही रमन सिंह ने फोन टेपिंग को लेकर कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं राज्योत्सव को लेकर आमंत्रण न मिलने को लेकर पूर्व सीएम ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राज्योत्सव के लिए सही तरीके से आमंत्रण नहीं दिए गए। पूर्व सीएम रमन सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। मौके का पर पत्रकारों के मिलन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हैं। राज्योत्सव में जिस तरीके से बीजेपी ने मन साझा नहीं किया, क्या आमंत्रण नहीं मिला था? और मुझे लगता है कि जिस विधिवत तरीके से सम्मान के साथ जो लोगों को आमंत्रण मिलना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है कि वो नहीं मिला होगा। क्या बीजेपी इस पर कोई स्टैंड लेके आने वाले दिनों में, क्योंकि फोन टैपिंग को कांग्रेस ही एक बड़ा मुद्दा बनाती आई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है। ठीक है, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। फोन टैपिंग को लेकर जिस तरीके से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन लगाया कि सरकार फोन टैपिंग करा रही है और ये सरकार ने लिखकर सुप्रीम कोर्ट को दिया है, इस पर एक कटाक्ष डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं भूपेश सरकार पर। यही कह रहे हैं कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन इस मामले पर राजनीतिक तौर पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।